नमस्कार दोस्तों, अदानी गैस लिमिटेड का चार्ट मैंने निकाल लिया है और ये कंपनी नई लिस्टिंग हुई है। अदानी ग्रुप की कंपनी है और न्यू लिस्टिंग इसकी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लगभग एक दो वीक हुए हैं इसको लिस्टिंग हुए हुए हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। कंपनी दोस्तों अदानी ग्रुप की कंपनी है, तो नाम से समझ गए होंगे इसमें अच्छी ग्रुप की कंपनी है। और लेकिन थोड़ा इसमें मैं खुलकर चर्चा करना चाहूँगा कि कंपनी में लॉन्ग टर्म की नज़रिए से अपन देखें तो इसमें अपन टारगेट देखो, अभी तो आज का इसने 115 हाई लगाया है और 52 वीक का भी 115 ही है, क्योंकि इस 52 वीक तो अभी बना ही नहीं है ना, अभी तो एक दो वीक की स्टार्ट हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इसमें अपन बात करें तो दोस्तों कंपनी में अपन 150 तक का भी उछाल देख सकते हैं, 200 तक का भी उछाल देख सकते हैं। लेकिन अब आप अभी सुन के ही दोस्तों कुछ मत हो, इसमें बात यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए अपन रखें व्यू, ठीक है। तो अभी आप जो न्यू फ्रेश एंट्री है ना, आप इसमें दोस्तों मेरी राय ये है कि बनाना नहीं है न्यू फ्रेश एंट्री। अगर 150 रुपये जाए तो दोस्तों इसको जाने दो, आपको इसमें एंट्री नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है कि इसमें जो आपको एंट्री बनानी थी दोस्तों, इसमें एंट्री का समय था 75 का, ठीक है ना, 75 का इसमें एंट्री का समय था। और शायद मैंने आपको वीडियो में बताया होगा, या हो सकता है शायद मैंने इसमें रिसर्च तो किया था और वीडियो बनाना भूल गया हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें 75 से ही मतलब मन प्लान बनाया था कि 75 से इसमें एंट्री का अच्छा समय है। क्यों, मैंने इसके सामने तीन चार तरीके से मैंने इसका रिसर्च किया था, शायद देखने के बाद वीडियो में आप चेक कर सकते हो, शायद बनाया हो तो, या नहीं बना पाया तो सॉरी दोस्तों मैं भूल गया, गजब का स्टॉक आपको यहाँ पे अभी 70% के समथिंग रिटर्न या निकाल चुका होता अब तक तो। लेकिन मुझे 75 पे इसमें क्यों नज़र अच्छा लगा था, और अभी मैं आपको इसमें और खुलकर बात करेंगे, ठीक है ना। पहले तो अदानी जो ये गैस है, ठीक है ना, इसको अपने इसने मतलब दो टेंडर ले लिया है घरेलू जो गैस तक, घरेलू गैस है ना, सिलेंडर सप्लाई पहुंचाने का। और इंडिया की बात करें, एक इसके पहले की जो कंपनी, एक और गैस की कंपनी है, और इसने मतलब नंबर 2 कंपनी पे इसने पोजीशन बना ली है। ये सुनने में आ रहा है कि इसने नंबर 2 की पोजीशन बना ली है, लेकिन नंबर 2 की कंपनी हो चुकी है और अडानी है। तो इसमें जाहिर सी बात है, अडानी की अडानी पावर देख लीजिए, अडानी एंटरटेनमेंट देख लीजिए, और अडानी ट्रेन देख ली वो हाँ अडानी ट्रेन देख लीजिए, अडानी पोर्ट्स देख लीजिए, सारे के सारे शहर उनके हैं तो अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि इस शेयर की जो लिस्टिंग हुई थी, इस शेयर की लिस्टिंग हुई थी तो जिसके पास अदानी एंटरटेनमेंट के जो शेयर थे, उसके जितने शेयर थे उतने ही शेयर इसमें एक्स्ट्रा दे दिए गए, है ना, समझ रहे हो। यानी किसी के पास अगर उसके 1000 शेयर थे ना अदानी एंटरटेनमेंट के, तो ये कंपनी जो लिस्टिंग हुई है तो उससे मैं 1000 शेयर उनको एक्स्ट्रा दे दिया, समझ रहे हो मेरी बात को, 1000 शेयर यानी कि एक्स्ट्रा दे दिया। और तो जितना माल अगर उसमें 1 लाख रुपये का माल पड़ा था तो 1 लाख रुपये इसको यहाँ एक्स्ट्रा दे दिया। और उसके बाद उसका 1 लाख का है उधर तो पैसा बन रहा जो अलग है, यहाँ पे 1 लाख तो फ्री में आ गया, वो तो फ्री का आ गया। उसके बाद में 1 लाख का फिर देख लो 75 से 72 से अभी 115 आ गया, यानी कि 1 लाख 70% और ग्रोथ हो गई लगभग। तो 1 लाख का एक्स्ट्रा, 1,70,000 एक्स्ट्रा आ रहा माल, ठीक है। तो अब कंपनी के पास तो कोई कंपनी तो पागल थोड़ी है कि इतना दे के फिर कमाएगी नहीं, तो कंपनी को भी पता है कि वो यहाँ से लिस्टिंग करके ऊपर लेके जाएगी शेयर को और वो अपना पैसा यहाँ से जो एक्स्ट्रा दिया है वो निकाल लेगी। क्यों, इसका उदाहरण मैं बताऊँ, मेरे पास खुद के पास शेयर थे अडानी एंटरटेनमेंट के ऐसे शेयर थे दोस्तों, और उस समय मेरे पास शेयर थे जब अदानी ग्रीन कंपनी लॉन्च हुई थी, ठीक है ना, अदानी ग्रीन। मैंने सुबह ही पोर्टफोलियो में देखा कि मेरे यार अदानी ग्रीन के जो अदानी ग्रीन ऑटोमेटिक मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हुई, और मैंने देखा यार ये मेरे पास इतनी शेयर कहाँ से आ गए। तो उस समय अदानी एंटरटेनमेंट के जो शेयर थे जिसके भी पास उसका 70% यानी कि अगर 1000 शेयर थे तो 700 शेयर अदानी ग्रीन के, इसी अडानी की तो कंपनी थी, तो उसने लॉन्च करके और